बैतूल जिले से जीरो वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है। दरअसल बैतूल में करीब 1400 गांव में 47 गांव ऐसे हैं जिसमें अभी तक एक भी व्यक्ति को वैक्सीन नहीं लगी है। सबसे अधिक 33 गांव भीमपुर ब्लॉक में हैं। जब भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ग्रामीणों को वैक्सीन लगाने आती है तो वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया जाता है। कई जगह तो विवाद की स्थिति भी देखने को मिली। जिले में 1,90,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बता दें कि लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम है। इसमें ग्रामीण लोगों द्वारा यह बात सामने आई है कि वैक्सीन लगाने से मौत हो जाती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद ही कोरोना हो रहा है। ऐसी कई अटकलें लगाई जा रही हैं वैक्सीन को लेकर। वहीं एक व्यक्ति का कहना था कि वैक्सीन लगने के बाद आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन जब इस बात का पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी आंखों की रोशनी पहले से ही कमज़ोर थी। केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच वैक्सीन को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 प्लस को भले ही फ्री वैक्सीन देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वैक्सीन लगवाने के लिए ग्रामीणों में एक डर कायम है। हमारे जिले में करीब 1400 गांव है टोटल, और उन 1400 गांव में से 47 गांव विभिन्न विकास खंडों में से हैं जहां पर लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है। जीरो वैक्सीनेशन मान सकते हैं उन जगहों पर हैं। देखिए, अधिकतर गांव दूरस्थ इलाकों में हैं, आदिवासी क्षेत्रों में हैं, और उन लोगों में वैक्सीन को लेकर कुछ भय की या भ्रम की स्थिति है। उनको जाने किस किस स्रोतों से जानकारी मिली है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया था वैक्सीन से लोग मर जा रहे हैं, या उन्होंने बताया बीमार वैक्सीन के कारण ही हो रहे हैं। उनको हमने समझाया कि ऐसा नहीं है, वैक्सीन जान बचाने वाली है, वैक्सीन जान बचती है, बीमारी बहुत खतरनाक है। और उनको समझाया गया कि बैतूल ज़िले में 2 लाख से ऊपर लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, उसमें से यदि किसको बीमारी भी हुई है तो उन सब की जो है संख्या जोड़ भी जाए तो संख्या 2 लाख के मुकाबले कुछ नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि 0.1% भी नहीं है जो बीमार होने लोग का। अरे गणेश भाई, क्या करते हो काम? बस ऐसे रोजिंदा काम करता, खेत बाड़ी का। अच्छा गणेश भाई, टीका लगवा लिया आपने? अभी तो नहीं लगाया। क्यों, डर नहीं लग रहा? नहीं, कोरोना का डर नहीं लगता? अच्छा, गांव में कोई को हुआ कोरोना? नहीं सर, तो गांव में आए थे टीके लगाने वाले। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।